नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में छोड़े कांग्रेस पर व्यंगवाण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर व्यंगवाण छोड़े। मोदी ने नोटबंदी के अपने फैसले को सही ठहराते हुए मंगलवार को कहा कि स्वच्छ भारत की तरह ही देश की अर्थव्यवस्था को भी साफ सुथरा बनाने का यह एक बड़ा अभियान है जिसे सही समय पर शुरू किया गया है। देश में नकदी के प्रचलन के कारण काले धन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था पनप चुकी थी। विपक्ष के आरोप पर कहा कि नोटबंदी बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय नहीं था, यह तभी लाई गई जब अर्थव्यवस्था दुरुस्त थी और उन्हें यह पता था कि यह नोटबंदी के प्रभाव को झेल पाएगी। उन्होंने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था कमजोर होती तो वही यह कदम कतई नहीं उठाते। उन्होंने विपक्षी सदस्यों की टिप्पणी पर कहा कि मैं कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करता, इस बात को समझने के लिए आपको मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी चुटीली शैली में तीखे प्रहार करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है कि अधिकांश केंद्र एवं राज्य सरकारों ने जनसामान्य की नब्ज को पहचानना छोड़ दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचाए रखा जिसकी वजह से वह प्रधानमंत्री बन सके हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र का क्या हाल है इससे सभी भली भांति वाकिफ, पूरी पार्टी एक परिवार को समर्पित कर दी गई है। कांग्रेस ने 1975 में देश में आपातकाल लगाकर जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेताओं समेत लाखों लोगों को जेल में डाल दिया और प्रेस की आजादी पर ताले जड़ दिए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनशक्ति की ताकत ने देश में लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया जिसकी बदौलत गरीब माँ का यह बेटा प्रधानमंत्री बन सका है। उत्तरी भारत में आए भूकंप के बहाने राहुल को निशाने पर लेते हुए कहा कि भूकंप की धमकी तो पहले ही सुनी थी, आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि भूकंप क्यों आया, कोई तो कारण रहा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब स्कैम में भी सेवा और नम्रता का भाव देखा जाता है तो धरती माँ दुखी हो जाती है और भूकंप आ जाता है। मोदी ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि देश की आजादी का श्रेय एक ही परिवार को दिया जाता है जबकि कांग्रेस के जन्म से पहले भी कई महापुरुष हुए और 1857 में लाखों लोगों ने जान की बाजी लगाकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि तब भी कमल था, आज भी कमल है। मोदी ने सभी राजनीतिक दलों और नीति निर्धारकों से जनशक्ति की ताकत और सामर्थ्य को पहचान कर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वह गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह राह में चाहे कितनी भी बाधाएं आए वह पीछे हटने वाले नहीं है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा डिजिटल लेनदेन पर लगने वाले शुल्क को धीरे धीरे कम किया जाएगा। व्यक्तिगत हमलों पर भगवंत मान ने साधा नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा संसद की गरिमा को पहुंचाई ठेस। चुनाव आयोग ने कहा घूस संबंधी बयान पर मनोहर पर्रिकर 9 फरवरी तक दें जवाब। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रालोद प्रत्याशी मनोज गौतम के भाई समेत 2 युवकों की हत्या। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के आकावेड़ा पुलिस कैंप पर नक्सलियों के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।